यूपी के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार कुशीनगर जिला, जहां आजादी के 67 साल बीत जाने के बाद भी कुछ गांवों में बेबुनियाद सुविधाओं का अभी भी दूर दूर तक कई नामों निशान नहीं है। ऐसे में एक जर्मन महिला गांव वालों के लिए एक आशा का किरण बनकर आई। 4 साल पहले हिंदुस्तान की संस्कृति को समझने के लिए 7 समंदर पार से भारत आई मैकार्टनी आज यहीं की होकर रह गई हैं। ये महिला यूपी के कुशीनगर के तिरमा साहून गांव के लिए आशा की किरण बन गई हैं। इस महिला ने आज इस गांव की तकदीर ही बदल कर रख दी है। As an NGO, taking the first steps to clean the village of all the old plastics, and we hope that the villagers will then follow this role model and keep the village clean ongoing. ये महिला जर्मनी में काम करती हैं। इन्हें भारत और यहाँ के गांवों को देखने के बाद कुछ करने की इच्छा हुई, जिसके बाद ये कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विकास खंड की तिरमा साहून पहुंची। इन्होंने जर्मनी में यूनाइटेड फॉर होप नाम की संस्था बनाई। इसका रजिस्ट्रेशन जर्मनी, फ्रांस और भारत में करवाया और इस संस्था के जरिए गांव की तस्वीर बदलने का जिम्मा उठाया और देखते ही देखते गांव के 95% घरों में शौचालय, गांव की गलियों में स्ट्रीट लाइट खंडजे तक बिछ गए। हमने इस गांव में काम किया है, उसको हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि लोग उन टॉयलेट्स को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा हमने बच्चों की एजुकेशन पे काम किया है, महिलाओं की एजुकेशन पे काम किया है। अब बहुत ही जल्दी हम यहां पे अपना रिसोर्स सेंटर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि काम के समय हम एक बहुत बड़ी समस्या को जो महसूस करते हैं वो ये आती है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के प्लेसेस पर जाना, घर में जाना पसंद नहीं करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर चाहिए, जहाँ हम एक छत के नीचे सभी लोगों को इकट्ठा कर सके बिना किसी भेदभाव के और हम अपने काम को अच्छे से कर सकें। आज़ादी के 67 साल में जो काम इस गांव में नहीं हुआ, ये संस्था यूनाइटेड फॉर होप ने वो काम करके दिखाया है। गांव में लाइटिंग नहीं थी, लाइटिंग बनवाया है। गांव के लोग क्या कहते हैं, महिलाओं के, खासकर महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत हुआ करती थी। मैंने पहले तारा मैडम हमको पढ़ाए रही हैं, मैं पहले पढ़ नहीं पा रहा था, अब हम पढ़ ले रहे हैं, हमको पढ़ा दे रही हैं, हमको जब तब मन करेगा तब तक ले हम पढ़ेंगे, शुरू से आखिरी तक ले। जहाँ चाह वहाँ राह, इस कहावत को इस आयरिश महिला ने आज सही साबित कर दिया है। 68वें गणतंत्र दिवस पर हम इसी महिला के जज्बे और हौसले को सलाम करते हैं। कुशीनगर से नवीन पांडे की रिपोर्ट।